अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ईडी एनआईए की छापेमारी के बाद पूरे मुल्क में इस पर रद्दअमल भी देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ इसे गलत भी साबित कर रहे हैं। यकीनन मीडिया ने अपना हमेशा की तरह एक तरफा खबरें बयानबाजी शुरू करते हुए दहशतगर्दी से तार भी जोड़ना शुरू कर दिया है। वैसे भी विपक्ष और दीगर सियासी पार्टियों के खिलाफ भाजपा हुकूमत की जानिब से सरकारी एजेंसियों के जरिए एनआईए सीबीआई ईडी की छापेमारी की कार्रवाई मुस्तकिल जारी है, पर एक मुस्लिम तंजीम को देश विरोधी साबित करके इसे मीडिया के जरिए अवाम में नेगेटिव तस्वीर को उजागर करने की कोशिश पहले से ही करने का इल्जाम इससे पहले भी लगाया गया। इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश पीएफआई कर रही है, ऐसा इससे पहले भी कई मर्तबा कहते हुए देखा गया। पर अब जब चुनावी माहौल बन रहा है तो किसी तरह फिर नफरत की खुराक का भी होना जरूरी और लाजिम है। सभी जानते हैं कि पीएफआई ने कोरोना या फिर लॉकडाउन के वक्त या फिर जब भी कुदरती आफतें आती है जैसे बाढ़ की किस तरह की खिदमात इन्होंने अंजाम दिए हैं, सभी ने देखा है। इसका तस्करा पूरे मुल्क में भी हुआ है। पीएफआई की हिमायत करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन सच्चाई पर तबसरा तो हो और वो जरूरी भी है। इससे पहले भी किसी मुस्लिम मौलाना या मदारिस तंजीम को देश विरोधी कहते हुए मुकदमे दायर करना और फिर बाइज्जत बरी करना हमने बारहा देखा है। डर खौफ का माहौल मुल्क में बनाकर एक समाज को कटघरे में खड़ा करके अक्सरियत तबके को खुश करके वोटों के ध्रुवीकरण का खेल भी भारत की सियासत का हिस्सा बन चुका है। पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने जो बातें मीडिया के सामने से पहले कही है इस पर भी तवज्जो जरूरी है। अगर देखा जाए तो आरएसएस बजरंग दल हिंदुत्व तंजीमों के खिलाफ बेबाकी से अपनी राय रखने वाली तंजीम के तौर पर पीएफआई अपनी शनाखत बना चुकी थी। मुस्लिम समाज पर बढ़ते हमले, तशद्दुद और नए नए कानूनों को मंजूरी पर भी बेबाकी से अपने ख्यालात का इजहार इस तंजीम ने किया है। लिहाजा एक तो मुस्लिम तंजीम और फिर भाजपा आरएसएस के खिलाफ बेबाकी से राय रखने की जरूरत यकीनन संघीय विचारधारा के लोगों के आंख में चुभना भी लाजिम हो जाता है। अगर इसके बरक्स दूसरा पहलू देखेंगे तो ज्यादातर आरएसएस के लोग गैर संवैधानिक गतिविधियों में मुलव्वस पाए जाते रहे। यकीनन जो भी तंजीम इदारा किसी भी धर्म का हो, किसी जात पात से ताल्लुक रखता हो, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर किसी एक धर्म विशेष को ही कटघरे में खड़ा करके इनके मदरसे मस्जिद इदारे तंजीमों को निशाना कहां तक सही है, इस पर भी बोलना होगा। अगर इसी तरह सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल कर कभी विपक्ष के लीडरों को तो कभी दीनी मजहबी तंजीमों इदारों को तो कभी सामाजिक खिदमत अंजाम देने वाले संगठनों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जाए ताकि अकलीती समाज से ताल्लुकात रखते हों। लिहाजा अब कई सियासी लीडरों ने कार्रवाई की मजम्मत भी की है। लिहाजा कांग्रेस का ही तनवीर सेठ ने भी अपनी राय पेश की है और साबिक वजीर सीएम इब्राहिम ने भी पॉपुलर फ्रंट पर कार्रवाई महज सियासी मुफाद और अकलीतों में खौफ पैदा करने के लिए करने की बात कहते हुए गैर संवैधानिक बताया। सीपीएम ने कहा कि किसी को दहशतगर्दी के इल्जाम में सालों साल जेलों में रखकर फिर बाइज्जत बरी करने का पुराना रिवाज भी रहा है। चुनाव के बाद गिरफ्तार नौजवानों को छोड़ दिया जाता है या फिर यूएपीए के तहत बरसों जेल में भी रख सकते हैं। अब एक और पहलू ये भी देखने को मिला कि मुस्लिम समाज के किसी भी बड़े तंजीम इदारे ने इसकी खुलकर मजम्मत नहीं की और इस तरह का रवैया इससे पहले भी देखा गया, खासकर दीनी और सियासी रहनुमा खामोशी अख्तियार करते हुए देखे गए। मुल्की सतह पर एनआईए की जानिब से छापेमारी कर 100 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक में भी 20 से ज्यादा पीएफआई के लीडरों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। भारत एक लोकतंत्र है, किसी को भी मुल्क संविधान को मजहब के मुताबिक रंग देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर पीएफआई मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात गलत है तो फिर संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी गलत है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग को या राष्ट्रहित माना जाता है। खैर अब देश विरोधी गतिविधियों में मुलव्वस होने का इल्जाम पीएफआई पर लगाया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बता देगा, लेकिन अब आवाजें उठ रही है कि पीएफआई पर एनआईए के छापे गैर संवैधानिक है इतना जरूर है कि सच्चाई तो जरूर सामने आएगी, लेकिन मुल्क के हक में बेहतर फैसले के लिए इस मुल्क के संविधान के तहफ्फुज के लिए आवाज उठानी होगी। जालिम का हाथ रोकना और मजलूम का साथ देना होगा, वरना सिर्फ किसी एक जहनियत मानसिकता के मद्देनजर किसी भी पार्टी तंजीम इदारे पर कार्रवाई मुल्क के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है, इतना जरूर है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज या फिर किसी समाज धर्म के खिलाफ पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई का इशारा दिया गया। आज बलराम पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया कि अगर कोई भी किसी धर्म मजहब के खिलाफ या तोहीन आमोस पोस्ट करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तमाम सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए ऐसा भी कहा गया।
रामसेना की जानिब से PFI पर पाबंदी आयद करने की मांग की गई। वैसे रामसेना पर भी मजहबी तशद्दुद को बढ़ावा देने के कई मुकदमे आयद किए जा चुके हैं, लेकिन अब जब पूरे मुल्क में PFI को निशाना बनाया जा रहा है तो हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से भी जोर लगाया जा रहा है। आज DC बेलगाम को अपना मुतालबा पेश करते हुए रामसेना के सदर कुंडुस्कर ने कहा कि मुल्क विरोधी ताकतों पर पाबंदी लगाते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। नदाब पिंजर संघ की जानिब से नदाब समाज में उन तलबाओं को नमाज से नवाजा गया जिन्होंने बेहतर नंबरात हासिल किए हैं। इस इजलास को बतौर मेहमान खुसूसी कांग्रेस का सतीश जारकीहोड़ी शरीक रहे। इस इजलास को तालुका सदर हजरत नदाब ने कामयाब बनाने में कोशिश की थी। आसमा शाहनूर नदाब और रेशमा बड़े साहब नदाब के साथ दिगर कामयाब तलबाओं को एजाजात से नवाजा गया। इस वक्त अंजुमन के प्रिंसिपल तिम्मापुर ने बच्चों में नज्म जब्त की जरूरत और नदाब पिंजर समाज में बढ़ता इल्मी रुझान पर तकरीर फरमाई। सलाम माँ बाप को जिन्होंने हमें जन्म दिया, तीसरा सलाम हमारे गुरुओं को जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सलाम आप सभी को जो आपने हमें अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। शानबाग चैंबर किर्लोस्कर रोड में मेंटल मेंसवेयर कपड़ों की दुकान का इफ्तिताही इजलास अमल में आया। इस दुकान की इफ्तिताह जनाब फिरोज सेठ के हाथों हुई। इस वक्त दिगर मेहमानान में आसिफ, राजू सेठ और जमात के जिम्मेदारान भी शरीक रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जुनेद अत्तर साहब शानबाग चैम्बर्स में मेंटल गारमेंट्स करके एक नई एंटरप्राइज दुकान स्टार्ट किए हैं जो गारमेंट्स की है। हमारे तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआ करते हैं कि वो बड़े और सक्सेसफुल हो। बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। जुनेद को मैं बचपन से जाता हूँ। इज़ अवर चॉकलेट बॉय ऑफ आज़ाद नगर, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड आई हैव सीन हिम, यू नो। उसके फ्रेंड सर्कल बहुत 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 ही बड़ा फ्रेंड सर्कल है। उसको बचपन से देखता हूँ मैं, उसको मेरे क्लिनिक के सामने ही रहते थे वो। अब शिफ्ट हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके कारोबार में बरकत दे और दिन दे, उनको हर इसमें सक्सेस दे। अत्तर फैमिली के जुनेद साहब एक नौजवान एंटरप्रेन्योर बन के आज शानबाग चैम्बर्स में अपने लाइफ का एक कमर्शियल एंटरप्राइज शुरू कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि यंगस्टर्स अपनी जिम्मेदारी समझ करके कारोबार में लगते हैं और एक अपनी लाइफ में और सिटी में अपनी फैमिली में एक जगह बनाने की कोशिश करते हैं, कामयाबी की जगह। हमारे तरफ से अत्तर फैमिली को हम बहुत बहुत मुबारक कहते हुए दुआओं के साथ यही कहेंगे कि अल्लाह इनको सक्सेसफुल बनाए, कामयाब बनाए।
इनके कारोबार में बरकत हो, बड़ों की और इनके घर की हमेशा इनकी दुआएं इनके साथ में रहें। इनसे जो छोटे हैं इनके तरफ देखें और ये उनका भी ध्यान रखें। ये इट इज़ ए कंप्लीट ओवरऑल फैमिली। ज़रूरी है कि बिजनेस में ये सोच के आप चलिए कि कोई शॉर्टकट नहीं है, अपने वक्त पे। बेलगाम शहर में एक नौजवान को आनंद चंद गली के पास चाकू मार कर शदीद जख्मी किया गया। उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेलगाम में अंबा भवन के पास जब तीन नौजवान बाइक पर सवार होकर जा रहे थे तो नौजवानों के गिरोह ने बाइक सवारों को रोक लिया और 15 सालाना नौजवान फरहान धारवाड़कर पर चाकू से हमला कर दिया और हमलावर फरार हो गए। फरहान धारवाड़कर के साथ और दो नौजवान भी थे जो भागकर घर पहुंच गए। आनंद चंद गली के पास करीब 10-15 नौजवानों के एक गिरोह ने इन पर हमला कर दिया। फरहान अकेला पकड़ा गया और उस पर हमला कर दिया गया, जबकि उसके साथ जो मौजूद दो नौजवान भाग गए। हमले की वजह का अब तक पता नहीं चला है। हमले के बाद शदीद जख्मी फरहान को बेलगाम जिला अस्पताल में जेर इलाज रखा गया है। वहाँ पर भी कसीर तादाद में कैंप के नौजवान, फरहान धारवाड़कर के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब भी वहाँ पर कसीर तादाद में पहुँचे थे। तो उस वक्त भी एक बाइक सवार पर भीड़ की जानिब से हमला करने की वारदात पेश आने की बात कही जा रही है। पुलिस बंदोबस्त कसीर तादाद में लगाया गया है।